ही गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन वाइट वर्जन। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने स्काइला को हरा दिया था, एंड स्काइला को हराने के बाद हम लोगों को हमारा सिक्स जिम बैच मिल चुका था, सिक्स्थ जिम बैच मिल चुका था। सो अभी बस दो जिम बैच और चाहिए, एंड फिर हम लोग पोकेमोन लीग को चैलेंज करेंगे। प्लस लास्ट एपिसोड में मैंने आपको पूछा था कि मैं टीम चेंज करने वाला हूँ, मतलब मैंने आपको बताया था, एंड मैंने आपको कम्युनिटी में पूछा था कि मैं क्रोकोडाइल को लूँ या फिर एस्काड्रिल को लूँ। 95% लोगों ने बोला था क्रोकोडाइल को, बिकॉज वो काफ़ी फेमस पोकेमोन है एज़ कम्पेयर टू एस्काड्रिल। एनी में मैं एस्काड्रिल के बारे में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं है, एंड क्रोकोडाइल तो ऐश का पोकेमोन था, तो ऑब्वियसली बात है आप में से बहुत सारे लोगों को क्रोकोडाइल ही पसंद आएगा, बिकॉज इट्स लाइक उसको बहुत सारा स्क्रीन टाइम मिला। एस्काड्रिल की बात करें तो उसको नहीं मिला। बट अगर मैंने बताऊँ ना, मैं बताता हूँ मैंने एस्काड्रिल को मेरी टीम में क्यों रखा है, ये एक्सप्लेनेशन ज़रा अच्छे से सुनना, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक डार्क टाइप था। बिकॉज देखो, क्रोकोडाइल एक डार्क टाइप एंड एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, बट मेरे पास ऑलरेडी डार्क टाइप को कवर करने के लिए स्क्रैगी है, तो मैं एक टीम में दो डार्क टाइप क्यों रखूँगा ना। इसलिए मैंने एस्काड्रिल को चांस दिया, बिकॉज इसके पास स्टील टाइप भी कवर हो जाता है ना, मतलब ये ग्राउंड एंड स्टील हो गया, फिर ये फाइटिंग एंड डार्क हो गया, ये गोस्ट एंड फायर टाइप हो गया। जब स्ट्राइक का ओनली सिंगल इलेक्ट्रिक टाइप है। आई नो मैं इसको आगे जाके मे बी किसी के साथ चेंज कर सकता हूँ, मे बी कोई ड्यूअल टाइप इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हो सकता है वो। ये तो हमारा स्टार्टर है, और जी हाँ गाइस, हम लोगों ने फाइनली सिग्लिफ को डिपॉजिट कर दिया है, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को उससे प्रॉब्लम आ रही थी। आई डोंट नो, मे बी वो दिखता वैसा अजीब दिखता है इसलिए, बट हाँ आप लोगों ने मेरे को सजेशन दिया था कि इस मतलब फॉसिल पोकेमोन को अपने टीम में ऐड कर ले। इवन तो इसकी एबिलिटी काफ़ी बेकार है, बट स्टिल इस गेम प्ले में काम चला लूँगा मैं। एंड हम लोगों ने आर्चन को भी ऐड कर लिया है, एंड प्लस देख सकते हो गाइज मैंने सबको 40 के अराउंड ट्रेन करके रखा है, एंड इसमें से बहुत सारे पोकेमोन इवॉल्व होने वाले थे। अगर बहुत सारे में से बात करें तो लिटरली मेरी आधी टीम इवॉल्व होने वाली थी, फॉर एग्जांपल आर्चन, स्क्रैगी एंड लिटविक, बट मैंने इनके इवोल्यूशन को रोक दिया, बिकॉज आप लोग फिर दुखी हो जाते हैं कि मैं एपिसोड में दिखाता नहीं हूँ इवोल्यूशन को। सो या हम लोग आज के एपिसोड में इन तीनों को इवॉल्व करने वाले हैं। हमारा मेन मोटिवेशन नहीं बोल सकते, बट हाँ हमारा मेन क्या बोल सकते हैं उसको, एक वर्ड आता है यार, हमारा मेन इंटेंशन। ओके हाँ, हमारा मेन इंटेंशन ही होगा कि इन तीनों को इवॉल्व करना है आज के एपिसोड में, एंड दैट्स व्हाई मैंने लिटविक को एक्सपी शेयर देखे रखा है। सो या इतना ही मेरे को बताना था, मैंने काफ़ी आपका टाइम ले लिया, बट या हम लोग अभी वेट साइकिल के लिए वाई बटन दबाना था, एंड हम लोग जाएंगे अभी आगे की ओर आई गेस। एक बार मैक्स रिपेल यूज़ कर लेता हूँ, एंड इस गेम में साइकिल के साथ हम लोग इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। आई डोंट नो फिर ये बनाया क्यों है, बट स्टिल कोई बात नहीं, चलो जाएंगे फिर। यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा बिकॉज यहाँ पे मेरे को बैटल अवॉइड करनी थी। ओके, मैं ऐसे भी तो जा सकता हूँ, और मेरे को ये बैटल अवॉइड करनी है तो ऐसे जाना पड़ेगा। ओके, ट्विस्ट माउंटेन पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके वेट गाइज, एक काम करते हैं हम लोग, हमारे किसी एक काम करता हूँ, मैं जिप स्ट्राइका को आगे रख लेता हूँ, बिकॉज उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो या लेट्स सी। ओ चेरन आ गया यहाँ पे। ओंकार, सिंस वी बोट होल्ड द जेट बैज नाउ, लेट्स सी विच ऑफ अस इज स्ट्रॉन्गर। आई गेस इसने ऐसे ही किया था जब मैंने इससे पहले वाला जिम बैच हासिल किया था, तब भी आके मेरे को बोला था कि यार अब तेरे पास वो बैच है, मेरे पास भी वो बैच है, तो क्यों ना हम लोग बैटल करके देखते हैं। एंड ये बहुत बुरी तरीके से हार गया था, एंड आई गेस अभी भी वही होने वाला है, वही होने वाला है। मेरे पोकेमोन आई गेस इसे थोड़े ज़्यादा, आर यू सीरियस, जब स्ट्राइक का 10 लेवल ज़्यादा होने के बाद भी उसके अनफेजेंट ने सर्वाइव कर लिया था। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ सर्वाइव आ रहा है, तो मैं हाँ पोकेमोन चेंज करूँगा। मैं यूज़ करूँगा आर्चन को, बिकॉज गाइज ये पोकेमोन बहुत ओपी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्रोबैटिक्स का पावर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, बेटा लिटविक 41 का हो चुका है, तो दैट मीन्स वो इवॉल्व हो जाएगा इस बैटल के बाद। लेकिन यार आर्चन फेंट हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं उसको फेंट नहीं करना चाहता, बट यहाँ एट द सेम टाइम कौन सा पोकेमोन आ रहा है, मैंने भी देखा भी नहीं। फिलहाल हम लोग ओके, स्क्रैगी एक सही पोकेमोन है इसके सामने। फेक आउट ओके,
कोई ना, तू अपना अटैक बढ़ा ले, बट एक ब्रिक ब्रेक और तेरा काम खत्म। मॉक से भी ट्रिगर हो चुकी है, ये भी लेवल अप होना चाहिए। एक सेमी पावर, ओके सेमी पावर के लिए यूज़ करूँगा मैं। एक्चुअली मैं यूज़ करना चाहता था सब स्ट्राइका को, बट आई गेस हम लोगों को सामुरॉट को आगे रख के मेरे को मेरे पोकेमोन को रिवाइव करना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ भी बैटल लड़ूँ। सो या लेट्स सी, क्या मेरे पास रिवाइव रिवाइव यहाँ पे नहीं होगा? आई गेस यहाँ पे हो सकता है रिवाइव ना, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है ना? आई गेस यहाँ पे नहीं होता, ऊपर ही होगा, पक्का ऊपर होगा, बट मेरे पास रिवाइव है नहीं फिलहाल के लिए। सो ओके कोई बात नहीं। एंड हाँ, मैंने इस पोकेमोन को एक्सीजर सिखा के रखा है। आई नो इसके सामने कुछ काम का नहीं है वो, बट स्टिल ओके मैंने हरा दिया इसको। एंड डैम गाइज, हमारा लिटविक इवॉल्व हो रहा है, एंड ये अब इसका सेकेंड स्टेज में इवॉल्व हो जाएगा, एंड इसका जो नेक्स्ट या फिर लास्ट स्टेज है उसके लिए हम लोगों को लगेगा एक डस्क स्टोन, जो कि सूत्रों के अनुसार मुझे पता चला है आगे आने वाले सिटी में हम लोगों को मिलेगा। सो डोंट वरी गाइज, दैट मीन्स हमारा ये पोकेमॉन जल्दी ही अपने फाइनल एवोल्यूशन में आ जाएगा। डोंट वरी गाइज, अभी ये बन चुका है एक लैम्पेंट, ओके लैम्पेंट या फिर लैम्पेंट, हाँ लैम्पेंट ही बोलेंगे इसको, और क्या बोल सकता हूँ मैं। दैट वॉज फाइन बैटल, दैट वॉज अ फाइन पोकेमॉन बैटल। ओ एल्डर यहाँ पे कहाँ है? आई एम हैप्पी टू सी यू बोथ आर ग्रोइंग एज अ ट्रेनर। कहाँ से है? ओ तो ऊपर है, तू वहाँ से कूदेगा, मेरे को लगा ही था तू कूदेगा, बट ओके। इफ़ इट इजेंट द चैम्पियन एल्डर, आई एम वीक सो आई लॉस्ट, एंड ऑनेस्टली इट बॉदर्स मी वेन यू कॉल इट अ फाइन बैटल डिस्पाइट दैट। ओ ऑनेस्टली जेरन, जस्ट एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट विदाउट द स्टिंगिंग रिमार्क। आई हैव आस्क यू दिस बिफोर, बट वॉट डू यू प्लान टू डू आफ्टर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग? इफ आई गेट स्ट्रॉन्ग एंड बिकम चैम्पियन, दैट विल बी द रीजन फॉर माई एग्जिस्टेंस। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम रियली लिविंग। ओके ये बुरी गैरी की बातें हैं, बट फिर गैरी भी बदल जाता है। यू आर यू रिमाइंड मी ऑफ मार्शल, ओके ऑफकोर्स हैविंग समथिंग यू वॉन्ट टू बिकम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट यू डू विथ योर न्यू फाउंड पावर। एनी वे टेक दिस, क्या मिलेगा हम लोगों को? हियर यू टू। ओके सर्फ मिल चुका है, लास्ट के लास्ट एपिसोड में हम लोगों को मिला था HM02, अभी मिल चुका है HM03। दैट मीन्स हम लोग अब काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं आज के इस गेम में। इफ़ यू यूज़ द मूव सर्फ यू कैन ट्रेवल ओवर वॉटर, आई शॉल सी यू अगेन यंग ट्रेनर्स, डोंट फॉरगेट अबाउट द नीड्स ऑफ द पोकेमॉन एट योर साइड। आई नो थैंक यू एल्डर या फिर चैम्पियन बोलूँ मैं आपको। वॉट आई डू विथ माई पावर, आई डोंट नो दैट आंसर येट, फर्स्ट आई वॉन्ट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर सो एवरी वन विल एक्नॉलेज दैट पावर, नेक्स्ट टाइम आई विल विन। ओके ब्रो एक काम कर लेते हैं हम लोग, बैग खोल के हम लोग हमारे पोकेमोन को आई गेस सर्फ सिखा देंगे, एंड आपको तो पता ही है सर्फ मेरा कौन सा पो एक एक मिनट एक मिनट, ये क्या चालू है, क्या चालू है? सर्फ यूज़ करना है मेरे को, एंड आई गेस हमारा सैमुराइट सीख सकता है, ऑब्वियसली बात है। अगर ये नहीं सीखता ना तो मैं क्या ही कर लेता, कोई वाटर टाइप पकड़ लेता। दूसरा मैं देखो मैं रेजर शेल को हटाना नहीं चाहता, सो हाँ बाय बाय स्कैल्ड, थैंक यू। एंड इस गेम में TMs रीयूजेबल है, तो अगर मेरे को किसी और पोकेमोन को सिखाना रहेगा वो मूव तो मैं सिखा दूंगा, एज वेल एज अगर आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला तो एचरन या फिर चैरन, क्या नाम था उस पोकेमोन का नाम है? एचरन, एचरन आई गेस, आर्चन जो भी नाम है, वो अभी तक फ्लाई नहीं सीख सकता, बट हाँ उसका जो इवोल्यूशन स्टेज है वो सीख जाएगा। एंड एक पोकेमोन तो हमारा इवॉल्व हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे फट से पोकेमोन हील करके आता हूँ, तब तक आप मेरा वेट करो यहाँ पे। ओके गाइस थैंक यू फॉर वेटिंग, मैंने पोकेमॉन हील कर लिया है, और इसको तो हमने लास्ट एपिसोड में ही हरा दिया था, और यहाँ का वो ट्रेनर भी हट गया है, दैट मीन्स अभी हम लोग अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे क्ले और चरण ऑलरेडी कुछ तो बातें कर रहे हैं। ओ ओमकार, व्हाट अ सरप्राइज सीइंग यू हियर, वाइल आई वॉज एक्सपेक्टिंग ट्विस्ट माउंटेन, द टू ऑफ यू सीम अ बिट मोर रग्ड देन द लास्ट टाइम आई सॉ यू, अ लिटिल बिट एनी वे, इज दैट सो? बाई द वे यू फोक्स सीन दैट टीम प्लाज्मा क्राउड लेटली?
आफ्टर ऑल द ट्रबल वी जिम लीडर्स मेट अप एंड हैड अ चैट बट वी हैव गॉट नो क्ल्यू वेयर दे आर। ओके, मतलब टीम प्लाज्मा के ऊपर सारे जिम लीडर्स को भी मतलब अब तक नज़र आ चुकी है। इट्स लाइक दे आर हाइडिंग अंडर अ रॉक। वेल, नॉट मच टू डू बट वेट फॉर एम टू मूव। ओके, एनी हाउ दिस इज़ नन ऑफ योर कंसर्न। स्क्वाड्स लाइक द टू ऑफ यू शुड जस्ट एंजॉय ट्रैवलिंग विथ योर पोकेमॉन। ट्विस्ट माउंटेन इज़ अ फाइन प्लेस टू एक्सप्लोर। यू विल हैव सम फन इफ़ यू जस्ट लीव दिस हियर पाथ। ओके, वेल बेटर यू जस्ट सी इट योर सेल्फ स्टेड ऑफ लिसनिंग टू मी यामर। ओके, बी सेइंग यू स्प्राउट्स। फील फ्री टू ट्रेन योर सेल्फ ऑन माई माउंटेन फॉर एज लॉन्ग एज यू लाइक। इसका माउंटेन, ये इसका है क्या? आई डोंट नो। आई थॉट ही वॉज गोइंग टू गेट अस इन्वॉल्व इन ऑल दैट बॉदर अगेन, सो आई वॉज ब्रेसिंग माई सेल्फ बिफोर आई न्यू इट। आई एम गोइंग इन फर्स्ट बट आई विल बी सीइंग यू। हाँ यार, मतलब सही है, मुझे भी लगा था कि ये बोल सकता है कि फिर से मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, बट नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला क्ले ने, थैंक गॉड। अदरवाइज हम लोग क्या ही कर सकते थे, अगर मिशन होता तो हम लोगों को करना ही पड़ता, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। बट स्टिल यहाँ पे हम लोगों को फाइनली एक रिवाइव मिल चुका है। एंड वेट, हम लोगों को है ना अभी आई गेस लैम्पेंड से आइटम ले लेता हूँ मैं, और अभी हम लोगों को इवॉल्व करना है हमारे स्क्रैगी को, तो मैं इसको एक्सपी शेयर दे के रखता हूँ बिकॉज फिर ये भी इवॉल्व हो जाएगा। एंड अर्जुन तू हमारे साथ बैटल करेगा, मतलब तू हमारा फर्स्ट पोकेमॉन रहेगा। एंड यहाँ पे हम लोग थैंक गॉड साइकिल यूज़ कर सकते हैं बिकॉज मज़ा आएगा। सो स्नो इज़ सो अमेजिंग, इट्स लाइक अ क्लीन स्लेट फॉर द वर्ल्ड। ओके, आई थॉट तू बैटल करेगा बट तूने नहीं की। यहाँ पे मिला मेरे को एक फुल हील। ओके, क्या मेरा मैक्सर पर अभी तक चालू है? आई गेस चालू होगा, अभी ख़त्म हुआ जस्ट। ओके, मार लेते हैं। यहाँ पे आप बैटल करोगे आई गेस, आ जाओ कर लो। एक वो बैट गाइस, सीरियसली एक्रोबैटिक्स और इस पोकेमोन का कॉम्बिनेशन एकदम डेंजरस है। एक बुलडोर, ओके, इसके लिए मेरे को पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। लेट्स यूज क्रैगी। स्टडी एबिलिटी हो सकती है, मेरे को लगा ही था। ओके, आई एम गोइंग टू चेंज माई पोकेमोन अगेन। लेट्स एंड इट विद एक्रोबैटिक्स, और या हम लोग जीत गए। स्क्रैगी 41 का हो चुका है, दैट मीन्स अभी ये भी इवॉल्व होगा। जी हाँ गाइज, ये इवॉल्व हो रहा है हमारा स्क्रैगी। ये पोकेमोन मैंने बहुत पहले पकड़ा था, बहुत पहले, एंड फिर इसको मैंने इवॉल्व ही नहीं किया, एंड अब जाके इवॉल्व हो रहा है। एंड ये आई एम प्रिटी श्योर ये हमारे टीम में काफ़ी वैल्यूएबल, काइंड ऑफ कह सकते हैं एडवांस, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। कोई अटैक तो सीखा नहीं बट या कोई बात नहीं, थैंक यू बाय द वे। वेट, मैं सेव नहीं करना चाहता गेम को, कभी कभी गेम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है ना खुद से। एक मिनट काम कर लेते हैं, यहाँ पे डाउजिंग मशीन यूज़ कर, यहाँ पे पक्का कोई तो हिडन आइटम होगा, मुझे लगा ही था, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे ये इंसान ऐसा क्यों खड़ा होता। यहाँ पे मुझे मिला हाइपर पोशन। ओके, एंड जी हाँ गाइज, अगर आपको याद होगा तो आई गेस चार्लस्टोन क्यू में एक प्लेस जगह थी जहाँ पे ये कुछ तो बज रहा था डाउजिंग मशीन, बट फिर मेरे को पता नहीं थी वो कहाँ पर है, बट या ऐसे दीवारों के मतलब दीवारों के अंदर भी हो सकते हैं वो आइटम्स, सो बी श्योर टू लुक फॉर देम। ओके, यहाँ पे बैटल्स आ रही है, तो हाँ बैटल्स मुझे करनी है बिकॉज मेरे पोकेमोन्स को मेरे को लेवल अप करना है। एक वैनिलैश, वैनिलीश, ओके, कोई बात नहीं, एंशंट पावर यूज़ करेंगे। डैम, ये बच गया बट अब ये नहीं बचेगा। ओके, वाई ब्रो वाई, अकेला पोकेमोन बचा था वो भी इवॉल्व हो जाता, बट नहीं, तुम लोगों को तो करना ही नहीं है। ओके, इस क्राफ्टी कितना ऑसम दिखता है, बट वेट, एक काम करते हैं,
आई गेस इसमें ही होगा स्टेटस और हीलर में। एक मिनट, मेरे पास रिवाइव्स थे तो लास्ट टाइम मैंने अंधों की तरह ढूंढा क्यों नहीं, मतलब मिला ही नहीं मेरे को, ये कैसे हो सकता है। अच्छा मेरे को टॉन्ट मारेगा ब्रो, यू आर डेड। ओके यू टर्न आई गेस अच्छा मूव है। वो तो मार के चला जाता है ना। आफ्टर मेकिंग इट्स अटैक द यूजर रशेस बैक टू स्विच प्लेसेस विद द पार्टी पोकेमॉन इन वेटिंग। हाँ आई गेस सिखाना चाहिए, वैसे भी मेरे पास एक ऑलरेडी अच्छा एक्रोबैटिक्स नाम का अटैक है, तो आई गेस मेरे को पल्क हटा देना चाहिए। ओके ये कौन है, डूजन। ओके आई डोंट नो कौन सा पोकेमॉन है, बट या आई एम स्टिल गोइंग टू यूज आर्चन। अच्छा ये वाला पोकेमॉन, ये तो साइकिक टाइप होता है। ओके आई गेस आर्चन भी लेवल अप हो जाएगा। कीप बैटलिंग, ये भी स्टील। ओके अच्छा हाँ, इस पोकेमॉन की एबिलिटी ही ऐसी है ना कि अगर इसका अटैक हाफ हो जाता है तो इसका अटैक नहीं, इसकी एचपी हाफ हो जाती है तो इसका अटैक और सारा सब कुछ गिर जाता है। बट या फाइनली ये भी इवॉल्व हो रहा है, हमारे इस वीडियो का जो मेन इंटेंशन था वो भी पूरा हो गया गाइस। फाइनली तीनों पोकेमोन लेवल अप हो गए आज के एपिसोड में, दैट मीन्स हमारी ये टीम काफ़ी ओपी बन चुकी है अब तक। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आई मीन इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं है, आर्कियोप्स। ओके मैं आपको इसके स्टैट्स बताता हूँ गाइस, सीरियसली ये काफ़ी ब्रोकन पोकेमोन है। बट हाँ, अगर आपको इसको यूज़ करना है तो मेक श्योर आप इस पोकेमोन के एचपी आधे से कम ना आने दो, अदरवाइज़ ये पोकेमोन इतना काम का नहीं है। बट हाँ इसके स्टैट्स देख लो, 127 अटैक है और 102 स्पेशल अटैक है, एंड देन बाकी पोकेमोन तो आपके सामने है, ये देख सकते हो। ये लैम्पेट को भी मतलब आगे जाके मैं इसको जब चैंडुलर में विकसित करूँगा तब तो ये मतलब मेरी, इन शॉर्ट में बोलूँ तो मेरी टीम काफ़ी ब्रोकन हो चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए तो, सीरियसली। एंड हीलिंग के लिए आई गेस आई कैन यूज़ फ्रेश वाटर, जो कि एक ही बचा है। ओके एक काम करता हूँ, अभी मेरे को कोई भी पोकेमोन पे एक्सपी शेयर की ज़रूरत नहीं है, सो या आई गेस आई एम गुड टू गो। चलो देखते क्या करना है, कहाँ पे जाना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके आप फिर से बैटल करेंगी, आ जाओ। एक थ्रॉ, ओके गलत पोकेमोन चूज़ किया तूने, वन शॉट किल, नाइस। चलो आगे। एक मिनट एक मिनट, क्या उस पत्थर पे कुछ था ना, कुछ नहीं था। चलो अंदर, ये सब क्या है। ओ ट्रेनर्स, देखो मेरे पास एक काफ़ी ब्रोकन पोकेमोन आ चुका है, सो मेरे को इग्नोर करना, अदरवाइज मेरे से बैटल करोगे तो आपका हाल बुरा हो सकता है। एंड मैं सीरियस था, बट अगर तुमको बैटल करने का इतना ही शौक है सो मैं क्या ही कर सकता हूँ ना। वेट गाइज, हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग हमारे डाउजिंग मशीन को यहाँ पे ऑन करते हैं, होपफुली कुछ ना, मुझे लगा ही था यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ओके आई गेस वो इसके अंदर हो सकता है, स्टारडस्ट। ओके ओके यहाँ पे अभी और कुछ तो है नहीं ना, इधर कुछ तो था। ओके क्या है ये, एक मून स्टोन, मेरे को पता है डार्क स्टोन आने वाली सिटी में मिलेगा मुझे। एक मिनट ये क्या है, पहले तो ये हटाओ, एंड चलो देखते हैं इसके अंदर कौन सा पोकेमॉन मिलेगा हमको। अच्छा एक ड्रिल बर मेरे पास ऑलरेडी है, सो कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई तो अलग मिलेगा, बट या फिर भी स्टिल कोई बात नहीं। चलो मैं साइकिल पे नीचे जाऊंगा, बट साइकिल पे कंट्रोल करना हार्ड है, अलग ही बात है यार। ओ यहाँ पे बहुत सारे हिडन आइटम्स हो सकते हैं। अरे नहीं रिपेल ख़त्म हो गया, वेट।
रेपेल मार दिया मैंने एंड लेट्स सी डाउजिंग मशीन। इधर है क्या? ओके फिर से एक स्टारडस्ट। ये सब अगर मैं बेचूंगा ना तो काफ़ी। आर यू सीरियस? ओके कोई नहीं। मैं यूज़ कर लूँगा यू टर्न जिससे हम लोग पोकेमोन चेंज करेंगे एंड आई विल यूज़ सेमिरॉट। लेट्स यूज सर्फ। ओ इस मूव का एनिमेशन इस गेम में काफ़ी अच्छा है। एक और सेम पोकेमोन सो या एक और सर्फ। अरे यार ये स्टर्डी एबिलिटी वाले पोकेमोन कभी कभी गुस्सा आता है इनका। अरे रे तीन सिमिलर पोकेमोन, और कोई पोकेमोन नहीं है क्या आपके पास? अरे और ये इनकी स्टर्डी एबिलिटी। ओके हरा दिया मैंने। होपफुली और कोई पोकेमोन नहीं हो। ओ ये एक बीच की तरह है। यहाँ पे तो मेरे को मैक्स पोशन ये तो था बट यहाँ पे एक हिडन आइटम भी है। ओके एग्जैक्टली यहाँ पे एक रेयर कैंडी। ओके वेट ये सब क्या है? हम लोग काफ़ी नहीं। ओ डैम ये सब मुझे नहीं पता था। यहाँ पे भी एक स्टारडस्ट मिला। ओके यहाँ पे एक आयरन मिला। ओके मुझे सीरियसली पता नहीं मुझे जाना कहाँ पे, बट मैं बस ऐसे ही घूम रहा हूँ बिकॉज ए क्या मेरा एक्सरे रिपेल ख़त्म हो गया था? आई डोंट नो मुझे याद नहीं है। ना ना नहीं नहीं घूमा नहीं घूमा। चलो होपफुली मैं सही जा रहा हूँ। ये क्या है? रिपेल ख़त्म कोई नहीं। मेरे को अवॉइड करना है इसको। आई गेस मैं सही जा रहा हूँ। दैट मीन्स अगर यहाँ पे बैटल्स हो रही है तो आई गेस मैं सही जा रहा हूँ। ओके क्रोकरॉक वेट गाइस मैं आपको आपको जलाने की ट्राई नहीं करूँगा सही सीरियसली, बट मैं इन दोनों की कंपटीशन कराना चाहता हूँ। अभी आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि यार ये तो अपने फाइनल एवोल्यूशन स्टेज में भी नहीं है सो तू ऐसा कैसे कर सकता है, बट गाइज मतलब कम ऑन ये 5 लेवल के बाद क्रोकोरॉक क्रोकोडाइल में ऑलरेडी विकसित हो जाएगा। ओके ये चाहता है कि मेरा ये बढ़े। ओके मैं एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन को ग्राउंड टाइप हमले से हरा के दिखाऊंगा आपके सामने गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला था। एक पालपिटॉड। ओके पालपिटॉड के लिए ग्रास टाइप चाहिए था बट आई गेस आई कैन यूज़ स्क्राफ्टी। लेट्स यूज क्रंच। और वैसे भी क्या हो रहा था ना कि एक टीम में दो दो पोकेमोन के पास सेम एबिलिटी होने से कोई सेंस नहीं बनता। मतलब मेरे मॉक्सी जो एबिलिटी है वो स्क्राफ्टी के पास भी थी एज वेल एज मेरे क्रोकोडाइल के पास भी होती। सो या दैट्स वाई मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया। आई गेस मैंने सही किया। यहाँ पे दो रास्ते हैं। यहाँ पे मुझे मिला एक TM90 सब्स्टिट्यूट जो कि मैं मोस्ट प्रोबेबली कभी यूज़ नहीं करूँगा, बट इस केव से मैं सही सलामत निकलूँ तो ना। ओके आगे बाहर जाने का रास्ता था बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट नो। आई गेस मैं सही जा रहा हूँ। ये रहा चरण। ओके उसके साथ बातें कर लेते हैं। प्रिटी स्ट्रॉन्ग बट यू आर ओनली स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू ट्रेनर्स आर कंट्रोलिंग पोकेमोन। So if you want to set Pokemon free, is that what you want? You should start with your own.
बट टेकिंग पीपल्स पोकेमोन बाय फोर्स इज नॉट राइट, दिस इज नॉट रियल स्ट्रेंथ. ओके Hey, there you are. We found that thing we are looking for. We should head up for the tower now. Team Plasma has obtained the power to change this world and end people's control over Pokemon. That's right. We must use force in order to right the wrong of the world. Okay. Now let's gather around our kings, our lord and those guys. I don't know what they have found, but they go the extra mile to gain the power and cause trouble. What a bothersome bunch. I'm going to stay here for a while. I want to think a little bit about what the champion asked me. What do I want to do with my power after I get strong? And why do I want to be strong in the first place? Okay, तो मैं आगे की थोड़ा explore कर लेता हूँ और क्या करूँगा मैं. ओह ये कौन है? Cedric. Okay, हाँ याद आया. Juniper का पप्पा. Hello Umkar, how is Archaeops? This Archaeops has really taken a shine to you. The Pokédex is important, but time spent having fun together is also important. See, I just had a thought. Have you heard Dragon Spiral Tower? Okay. Nah, मैंने तो नहीं सुना. I'm not surprised you haven't heard about it. Okay, give this story a listen. Dragon Spiral Tower is said to be the Unova region's oldest building. Okay. Stories say it's the place where legendary Pokemon came to life or where they remain in deep slumber. I know it's just past Isrius City, but that's all I know about it. That's all anyone knows because no one has ever been inside. My daughter has wanted to investigate that tower for a long time. What, there's something I don't know. That kind of feeling is pure adventure, and I'm not too old for some adventuring. Away I go to have a look at. Okay, Dragon Spiral Tower. Catch you later. Okay, I guess मुझे भी वहीं पर जाना चाहिए. That means. So yeah, यहाँ पे एक hidden. Oh, मैं एक new city में आ गया क्या? अगर मैं city में आ गया हूँ तो मैं Nurse Joy से Pokemon heal कर लेता हूँ. एंड आई गेस थोड़ा सा और एपिसोड लंबा खींचेंगे बिकॉज एपिसोड इतना छोटा रखना भी आई गेस मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा मुझे. ये क्या हो रहा है? ये लोग नाच क्यों रहे हैं? अब मेरे आजू बाजू नाच रहे. बट यहाँ पे कुछ तो हिडन आइटम है आई गेस इसके अंदर है. वो क्या है? वो एक मैक्स पोशन. थैंक यू गाइज. ये क्या मिला मुझे? एक रेयर कैंडी. मेरे पास लिटरली दो दो रेयर कैंडी आ चुकी है. और ये ड्रैग फैंस ऑफ एवरीथिंग पोकेमॉन फैन क्लब. ओके ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? मुझे कोई आइडिया नहीं है. क्या ये ड्रैगन स्पीरियल टावर है ना? ये तो जिम है. ओ प्लीज टेक दिस फ्रेश वाटर. मुझे नहीं पता था यहाँ पे एक जिम भी है. आइस कैन बी मेल्टेड विथ फायर और शैटर्ड विथ फाइटिंग. एक मिनट. आई गेस ये अच्छा आइस. एक मिनट मेरे को मैप में चेक करना पड़ेगा मैं कौन से सिटी में आ गया हूँ बिकॉज मुझे सीरियसली नहीं पता. ओके मैं आ चुका हूँ इसरियस सिटी में. बट गाइस जहाँ तक मुझे पता है जो हम लोगों को डस्क स्टोन मिलेगा वो आई गेस इस सिटी के आजू बाजू मिलेगा. सो आई गेस हमारे लैम्पेट को एक और जिम बैच के बाद इवॉल्व होना पड़ेगा आई गेस. होपफुली लेट्स सी. क्या जिम चैलेंज कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं पज़ल ट्राई करने का. आई डोंट नो ये आइस पज़ल लग रहा है मुझे. एंड आइस पज़ल मेरे से पहले अटेम्प्ट में तो कभी पूरे नहीं किए जाते हैं बट स्टिल आई एम गोइंग टू ट्राई. ये क्या था गाइस? ओके अब मैं आगे कैसे जाऊँ? आई गेस यहाँ से. ओके चलो इनके थोड़े दो तीन चमचों को हरा देते हैं. दैट मीन्स मुझे एटलीस्ट पता तो चलेगा ना इनके पोकेमॉन्स के लेवल कितने. ओके डिसेंट है. लेट्स यूज़ यू टर्न. ओके एंड्योर करना चाहता है ब्रो. नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ लैम्पेट फ्लेम बर्स्ट.
सेम पोकेमोन आ रहा है आई गेस, सो सेम पोकेमोन मेरा भी रहेगा आगे। आई डोंट नो ये कौन सा पोकेमोन है। अच्छा आई गेस ये आइस टाइप है। आइस बीम से मुझे कुछ नहीं होने वाला। ओके चलो ये सही है, इस लड़की के साथ बैटल करनी पड़ेगी तब जाके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ओके लाइट स्क्रीन लगा दी इसने, सो आई कांट यूज स्पेशल अटैक नाउ, तो क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे जाएंगे गाइज। वेट ये क्या है, हु डैम, ये जिम जिम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है गाइज। मैं इससे बात ही कर लेता हूँ एंड फिर इसको हरा देंगे। एक ही पोकेमोन है बेचारे के पास, बट हाँ लेवल काफ़ी अच्छा है। और एंड्योर क्यों कर रहा है, तेरा टाइम भी वेस्ट मेरा टाइम भी। आर यू सीरियस, ये बेस्ट तरीका है मैच को लंबा खींचने का। ओके अभी एक पजल आ रही है, चलो इसको ट्राई करेंगे। अरे रे ये कितनी बड़ी पजल है, इधर से तो जाना वेस्ट हो गया, तो आई गेस यहाँ से जाके ट्राई करता हूँ मैं। अरे यार मैं फिर से वेस्ट हो गया। ओके कोई ना, तो जाना कहाँ से मुझे, आई गेस मैं सही आया था, थोड़ा बहुत तो मैंने सही किया था जहाँ तक मुझे पता है। ओके चलो लेट्स सी इसके पास कौन सा पोकेमोन है। ये पोकेमोन सबके पास कॉमन है, कपचू जो भी नाम है इसका, काफ़ी क्यूट नाम है बाय द वे। I will use my this Pokemon. Let's go Lampet. अटैक गिराने का क्या फ़ायदा जब मैं स्पेशल अटैकर पोकेमॉन है मेरा। ये थोड़ी गलत बात है। ओके अभी क्या करना है, वेट ना ना यहाँ पे नहीं जाना था मुझे, मुझे कुछ भी करके थोड़ा वो रेड वाले बटन पे पहुँचना है ना। आई डोंट नो यार मुझे करना क्या है। वेट अगर यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा तो ये सब वही सब नॉर्मल है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। यहाँ पे तो मैं लास्ट टाइम भी आया था। ओके ओके आई गेस मैं समझ गया, आई गेस मैं नहीं समझा। ओके एक काम करते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ फिलहाल के लिए, मुझे कोई पता नहीं आइडिया नहीं है, मैं ऑफलाइन में ट्राई कर लूँगा इस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला, एंड देन तभी जाके हम लोग बैटल करेंगे। बट बाय द वे यहाँ से मैं निकलूँ कैसे अभी, यहाँ से डायरेक्ट रास्ता होगा। ओके है तो एक काम करो गाइज, आप लोग मुझे बता ना आपको मेरी टीम कैसे लगी, अगर आपको मेरी टीम पसंद आई, अरे हटो यार, अगर आपको मेरी टीम पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड, आई होप आप लोगों को मज़ा आया आज के एपिसोड को देख के, अगर आया तो बताना कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।